आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। एमएलए राजकुमार चब्बेवाल ने पार्टी छोड़ दी है। आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं राजकुमार चब्बेवाल, होशियारपुर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। यह बड़ी जानकारी मिल रही है, पंजाब में कांग्रेस को यह बड़ा झटका। एमएलए राजकुमार चब्बेवाल ने पार्टी छोड़ दी है और अब यह भी माना जा रहा है कि जल्द ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं राजकुमार चब्बेवाल, होशियारपुर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। और सचिन फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे, लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन, क्या वजह बताई जा रही है पार्टी छोड़ने की? हाँ जी, देखिए, राजकुमार चब्बेवाल जो हैं कांग्रेस के डिप्टी लीडर हैं पंजाब विधानसभा में, ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है क्योंकि ये तीसरे प्रमुख नेता हैं। इससे पहले जो जालंधर के एमपी हैं आम आदमी पार्टी के अभिषेक कुमार रिंकू, वो भी कांग्रेस के विधायक रहे हैं, और अभी कुछ दिन पहले ही बस्सी पठाना से जो विधायक रहे हैं गुरप्रीत सिंह, उनको जो है आम आदमी पार्टी में शामिल किया गया और टिकट भी दिया गया है। तो ये तीसरा झटका है डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल के रूप में कांग्रेस को जो लगा है, क्योंकि राजकुमार चब्बेवाल अब आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं होशियारपुर लोकसभा क्षेत्र से। हालांकि जस्ट एक मिनटों की देरी है जब राजकुमार चब्बेवाल जो हैं उनकी फॉर्मल अनाउंसमेंट होएगी आम आदमी पार्टी में इंडक्शन की उनकी। हम इस वक्त चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस के बाहर खड़े हैं और यहां राजकुमार चब्बेवाल जो हैं सीएम रेजिडेंस के अंदर हैं। मुख्यमंत्री जो हैं यहाँ से चले गए हैं, भगवंत मान जो हैं यहाँ से चले गए हैं। जस्ट कुछ एक मिनटों का इंतज़ार हो रहा है जब डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल की अनाउंसमेंट फॉर्मल जो है वो होगी कि वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही बतौर विधायक जो है वो इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस पार्टी से जो है उन्होंने फॉर्मली रिज़ाइन कर दिया है। तो जस्ट मैटर ऑफ मिनट्स है कि जब डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल की घोषणा होगी आम आदमी पार्टी में शामिल होने की, और मोस्ट लाइकली वो होशियारपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, और ये आम आदमी पार्टी की एक स्ट्रेटजी के तौर पे देखा जा रहा है। हालांकि विपक्षी पार्टियां ज़रूर जो हैं आम आदमी पार्टी से सवाल कर रही हैं कि आखिरकार आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों से आए हुए लीडर्स जो हैं उनको प्रत्याशी बना रही है, कैबिनेट मंत्रियों को प्रत्याशी बना रही है, पर दूसरी तरफ ये देखना भी ज़रूरी है कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनावों को लेकर कितनी संजीदा है। पंजाब में एक एक टिकट जो है बिल्कुल सोच संभल के जो है वो दी जा रही है। 5 कैबिनेट मंत्रियों को पहले चुनाव में उतारा है, जो पहली लिस्ट जो है आम आदमी पार्टी की आई है, और बिल्कुल कैलकुलेटेड जो है आम आदमी पार्टी चल रही है लोकसभा चुनाव में। इसकी सीरियसनेस को हम जो है समझ सकते हैं। विपक्षी पार्टियां बड़ा झटका ये माना जा सकता है कांग्रेस के लिए। बहुत धन्यवाद सचिन, आपका तमाम जानकारी देने के लिए।